मैं हूं कुशल बनवाल और आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या देखने वाले हैं, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर का हिंदी क्या होता है, अनुकूल संयोग अनुपात, और ऑड्स अगेंस्ट का हिंदी क्या होता है, प्रतिकूल संयोग अनुपात। तो अगर ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट पर क्वेश्चन जब भी आए तो उसके लिए उसी पर हम लोग बेस्ट आज हम लोग का वीडियो है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, अगर घटना के घटित होने की प्रक्रिया दिया गया है, यानी कि पीई का वैल्यू दिया गया है, तो आप पहले क्या करेंगे, पीई डैश निकाल लेंगे, और अगर पीई डैश दिया गया है तो आप पीई निकाल लेंगे। और बस एक ही फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, अगर ऑड्स इन फेवर यानी कि अनुकूल संयोग अनुपात है तो पीई बटा पीई डैश क्या होगा, पीई बटा पीई डैश। और अगर ऑड्स अगेंस्ट यानी कि प्रतिकूल संयोग अनुपात है तो फॉर्मूला क्या होगा, पीई डैश बटा पीई। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पर क्या किया जाए, अगर यहीं दिया जाए यानी कि ऑड्स इन फेवर दिया जाए या ऑड्स अगेंस्ट दिया जाए, यानी कि अनुकूल संयोग अनुपात का मान दिया गया हो या प्रतिकूल संयोग अनुपात का मान दिया गया हो, तब हम लोग घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी पीई कैसे निकालेंगे, या घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी कि पीई डैश कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर ऑड्स इन फेवर यानी कि अनुकूल संयोग अनुपात का मान दिया गया हो तो घटना के घटित होने की प्रायिकता ध्यान दे दीजिए जो ऊपर में है उसको रहने दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से, अब देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ए बटा ए प्लस बी, यानी कि नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिखना है और जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ से अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई निकल जाएगा तो यहाँ से पीई डैश के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, ये भी निकल जाएगा कैसे, तो वन माइनस पीई। ठीक है ना, अगर यहाँ से देखिए आपको अगर प्रतिकूल संयोग अनुपात का मान दिया गया हो, किसका मान दिया गया हो, प्रतिकूल संयोग अनुपात का, तो क्या करना है, जो नीचे है उसको देखिए ऊपर लेके चला गया है और नीचे क्या करना है, दोनों में जुड़ना ही है। तो इसमें ध्यान देंगे यहाँ से क्या करना है हम लोग को, अगर अनुकूल संयोग अनुपात दिया हो या प्रतिकूल संयोग अनुपात, पहले क्या करना है, दोनों स्थिति में हमको नीचे जोड़ के लिखना ही है। ठीक है, अगर अनुकूल है तो जो ऊपर में है उसको रख दीजिए, और अगर प्रतिकूल है यानी अगेंस्ट है तो नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला से बताया गया है कौन सा, कि पीई डैश इक्वल टू वन माइनस पीई। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स। आप देख रहे हैं एग्जांपल, यहाँ पर लिखा क्या है, क्या कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, दो बटा तीन, तो कहा जा रहा है क्या, तो उसके प्रतिकूल संयोग अनुपात निकालें। और इंग्लिश में लिखा गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज टू बाई थर्टीन यानी कि 2/13, तो कह रहा है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया गया है क्या कि प्रतिकूल संयोग अनुपात निकालना हो या अनुकूल संयोग अनुपात, यानी कि ऑड्स अगेंस्ट निकालना हो या ऑड्स इन फेवर, आपको पहले क्या करना है, पीई और पीई डैश निकालना है। तो यहाँ पर घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी किसका मान, पीई का वैल्यू यह दिया गया है, पीई का वैल्यू कितना दिया गया है, 2/13 दिया गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले पीई डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पीई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 - 2/13, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 11/13। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल संयोग अनुपात, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रतिकूल संयोग अनुपात यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको निकालना होगा पीई डैश बटा पीई। अभी आपको बताया गया था, अभी कॉन्सेप्ट में आप देखे भी थे, क्या निकालना हम लोग को, प्रतिकूल संयोग अनुपात, तो क्या निकालना पड़ेगा, पीई डैश बटा पीई यानी कि 11/13, और इसका बटा हो जाएगा 2/13, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए क्लॉज चेंज करके बता रहे हैं, आप जब सॉल्व करेंगे यानी क्या निकालेंगे, प्रतिकूल संयोग अनुपात, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा पीई डैश और बटा में क्या हो जाएगा, पीई, ऐसे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 11/13, फिर इसके बटन में क्या लिखेंगे, 2/13, तो जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 11/2 आएगा, क्या आंसर, 11/2। अगर यही रहता इस प्रतिकूल संयोग अनुपात की जगह, क्या रहता, अनुकूल संयोग अनुपात यानी कि ऑड्स इन फेवर, तो क्या करते हम लोग, पीई बटा क्या निकालते, पीई डैश, तब क्या आता, 2/11। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल संयोग अनुपात यानी कि ऑड्स अगेंस्ट, तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, पीई डैश और बटा क्या होता है, पीई, और ये कितना हो जाएगा, अभी आप निकाले थे 11/13 आया था इसका मान, और इसका मान कितना, 2/13, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/2। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रायिकता नहीं निकाल रहे हैं आप,
ठीक है, इसलिए यह एक से ज़्यादा होगा तो भी आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 11/2। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा गया है किसी घटना की प्रायिकता कितना दिया गया है, 3/7 दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ से। और क्या कह रहा है, उसका प्रतिकूल संयोग अनुपात यानी कि ऑड्स एगेंस्ट का वैल्यू बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि प्रायिकता दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग इसको लिखिए, क्या लिखा दिया गया है, ये पी ई का वैल्यू दिया गया है कितना, 3/7 दिया गया है। पी ई का वैल्यू कितना दिया गया, 3/7। और क्या करना है हम लोग, पी ई डैश निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - PE यानी कि 1 - 3/7 करेंगे तो क्या आएगा, 4/7 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से कलर चल के बताते हैं आपको, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल संयोग अनुपात निकालिए। जब प्रतिकूल संयोग अनुपात निकालेंगे यानी कि ऑड्स एगेंस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ई डैश और बटा क्या होता है पी ई, क्या फॉर्मूला होता है पी ई डैश बटा पी ई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, 4/7 और इसके बटा में क्या आएगा, 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। और इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4:3 यानी 4:3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ये ए ऑप्शन। अब देखते हम लोग टाइप टू पर, टाइप वन में क्या देखें आप कि अगर पी ई का वैल्यू दिया गया है या और पी ई डैश का वैल्यू दिया गया है तो ऑड्स इन फेवर, क्या ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर या क्या, अभी देखिए हम लोग ऑड्स एगेंस्ट या क्या ऑड्स एगेंस्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रतिकूल संयोग अनुपात और अनुकूल संयोग अनुपात का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब टाइप टू हो गया है, टाइप टू में क्या है कि अनुकूल संयोग अनुपात या प्रतिकूल संयोग अनुपात का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग को पी ई या पी ई डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अनुकूल संयोग अनुपात का वैल्यू दिया गया है यानी कि ऑड्स इन फेवर का वैल्यू दिया गया है, तो क्या दिया गया है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर इसका वैल्यू दिया गया कितना, 3:7 यानी कि 3/7 क्या है, 7 है, ठीक है। और अभी क्या बताया गया आपको कि क्या निकालना है, प्रतिकूल संयोग अनुपात यानी कि ऑड्स एगेंस्ट, क्या निकालना है, ऑड्स एगेंस्ट, ठीक है। तो ऑड्स एगेंस्ट में कैसे निकालते हैं, जो 3/7 इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7/3, क्या हो जाएगा, 7/3। अब निकालना है आप लोग को, कलर चेंज करके बताया है, अब निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है पी ई, क्या निकालना है, पी ई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ ध्यान देंगे, अगर आपको अनुकूल संयोग अनुपात दिया गया है और तब आपको निकालना है, या अगर प्रतिकूल संयोग अनुपात दिया गया है तब निकालना है, तो आपको यहाँ पर दोनों दिया गया है, आप क्या करेंगे, अगर अनुकूल संयोग अनुपात दिया गया है तो आपको क्या करना है कि नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, क्या बोले हैं, अनुकूल समय, अगर अनुकूल संयोग अनुपात का वैल्यू दिया गया है तो आपको नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, क्या तो क्या है, 3/7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और बटा में क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 7 × 3 = 10, समझ रहे हैं। या अगर आपको इससे किसे अगेन ऑड्स अगेंस्ट यानी कि प्रतिकूल संयोग अनुपात का वैल्यू दिया गया है तब क्या करना है, हम लोग को ऊपर वाले को ऊपर ही रखेंगे और दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे, इसको अच्छा समझिए, क्या बोले हैं, या फिर समझिए एक बार, अगर आपको ऑड्स इन फेवर का वैल्यू दिया गया है तो नीचे वाले को ऊपर लेकर दिखाइए और दोनों को जोड़कर नीचे लिख दीजिए, ठीक है। या अगर आपको ऑड्स अगेंस्ट का वैल्यू दिया गया है तब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दीजिए और दोनों को जोड़ करके नीचे, तो इस तरीके से आप देखें ऑड्स अगेंस्ट पर बेस्ट बहुत से क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।